ग्रेस मास वाले स्टूडेंट के लिए अभी 26 जुलाई को रीनेट 2024 हो चुका है। नेट काउंसलिंग एमसीसी काउंसलिंग 2024 के लिए 6 जुलाई की डेट भी दे दी गई है, लेकिन संकट के बादल अभी सटे नहीं हैं, क्योंकि अभी भी नीट यूजी एग्ज़ाम 2024 को क्लीन चिट नहीं मिली हैं। उल्टा एक के बाद एक जिस तरह के सबूत नीट पेपर लीक में सामने आ रहे हैं, उससे चिंता बढ़ती जा रही है। नीट एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में जो ताज़ा नीट पेपर लीक प्रूफ मिले हैं, उससे सभी छात्रों के लिए नीट कैंसिल होने की आशंका बढ़ गई है। नीट क्वेश्चन पेपर 2024 से मैच हुए जले पेपर के 68 सवाल बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने अपनी जांच के बाद केंद्र सरकार को बताया है कि पेपर लीक हुआ है। ईओयू ने बरामद जली हुई कॉपियों से 68 प्रश्नों का मिलान असली नीट क्वेश्चन पेपर से किया है। सवाल और क्वेश्चन पेपर के सीरियल नंबर दोनों हूबहू मिले हैं। बिहार सरकार का दावा है कि नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस दावे के पीछे ईओयू की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक ईओयू ने जली हुई कॉपियों से 68 सवाल रिकवर किए हैं, जो हूबहू असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। इतना ही नहीं, इन प्रश्नों के क्रमांक भी असली पेपर जैसे ही है। यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है। हालांकि जली हुई कॉपियां 5 मई को ही मिल गई थी, जब संदिग्ध उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि एनटीए द्वारा शुरू में राज्य सरकार के साथ जानकारी साझा नहीं की गई थी। एजेंसी ने नीट पेपर शेयर करने को लेकर अनिच्छा दिखाई, इस कारण ईओयू को इनका मिलान करने में देरी हुई। नीट पेपर लीक के सबूत। बिहार पुलिस ने जिन गिरफ्तार उम्मीदवारों के घर से जली हुई कापियां बरामद की है, उनमें से एक कागज के टुकड़े पर असली परीक्षा केंद्र का एक विशिष्ट कोड भी मिला हुआ है। ईओयू की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कोड ओसिस स्कूल का है, जो झारखंड के हजारीबाग में स्थित एक CBSE स्कूल है। ये NTA द्वारा नामित परीक्षा केंद्र था। सूत्रों ने बताया कि जब टीम ने स्कूल का दौरा किया और उन सभी लिफाफों और बक्सों को उठाया जिनमें प्रश्न पत्र आए थे, तो देखा गया कि एक लिफाफा दूसरे शोर से काटा गया था। प्रश्न पत्रों को ले जाने वाली सभी टेम्पर प्रूफ लिफाफे हमेशा एक निर्दिष्ट गाइड लाइट हाईलाइट किए गए क्षेत्र से फाड़ कर या काट कर खोले जाते हैं। इसके लिए सभी एग्जाम स्टाफ को ट्रेनिंग मिलती है और एक लिफाफा विशेष रूप से गलत शोर पर खोला गया था। मामले में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक ने बताया, हो सकता है कि स्कूल में पैकेट पहुंचने से बहुत पहले ही पेपर लीक हो गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे वीडियो पे नए हुए तो बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।